हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं नए टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम है वर्क। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड ए डिस्प्लेसमेंट वी सी दैट वर्क इज डन। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्ट लेके जा रहा है, कार्ट लेके जा रहा है हॉर्स, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक इंजन लेके जा रहा है ट्रेन, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। दोनों में वर्क डन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी होगा, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस। फोर्स न्यूटन, न्यूटन इसकी होगी ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की तो आपकी न्यूटन होगी। वर्क डन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एग्जर्ट ऑन द बॉडी, फोर्स एग्जर्ट ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, ठीक है। वर्क फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट फॉर द बॉडी एफ एस, ठीक है। तो हम ऐसा यूनिट में न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर, न्यूटन मीटर हुआ। इसको एक जूल भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब एक वन न्यूटन की फोर्स और एक मीटर का डिस्प्लेसमेंट में होगा तो एक जूल कार्य होगा, उस वर्क को वन जूल कहेंगे। जुड़ान होगा जब एक न्यूटन की फोर्स एक मीटर का डिस्प्लेसमेंट करती है, ठीक है। अब हम दीवार को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दीवार हिल नहीं रही, नॉट वर्क इज डन, बट वी आर टायर्ड बिकॉज ब्लड फ्लो इन द मसल्स एंड वी स्ट्रेच द मसल्स फॉर डिस्प्लेसमेंट द वॉल, देन वी आर टायर्ड। वर्क इज नॉट डन बट आवर बॉडी टायर्ड, ठीक है। अब हमने एक चीज उठा ली, थोड़ी देर बाद हम थक जाते हैं। मान लो एक बैग उठा लिया हमने, हैवी बैग है, उसको थक जाते हैं। वर्क हो रहा है लेकिन वर्क हमारी बॉडी के उससे हो रहा है, मसल्स से, ना कि हम उसको कोई डिस्प्लेसमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो वर्क बॉडी द्वारा हो रहा है, ठीक है, जो हमने करा। अगर वर्क जो है ग्रेविटी के अनुसार हो, मान लो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ग्रेविटी है, तो ये एच यहां से हम चढ़े ऊपर, वेट लगा एम जी, तो वर्क क्या हुआ सीढ़े चढ़ने में, एम जी एच, एम जी एच वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट। ध्यान रखना है हाइट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी ऊपर हमने चढ़ना है उतना हमने वर्क करा है, ठीक है। वर्क ये ग्रेविटी में, ग्रेविटी के अंगेंस्ट अगर हम जा रहे हैं तो फिर वो होगा, है ना। जैसे हम कोई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं
ये ग्रेविटी के उसमें चढ़ते हैं या ऊपर जाते हैं कहीं, तो ये होता है। हमने जैसे मान लो वेट लिफ्टर है, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाता है वेट, तो जो भी ग्रेविटी का अगेंस्ट होगा, हम कुछ चीज़ उठाएंगे कुछ करेंगे तो ग्रेविटी का अगेंस्ट वर्क होगा MGH। जितनी ऊंचाई तक हम उसको उठा रहे हैं, अपने आप को ले जा रहे हैं, उतना वर्क डन होगा। वर्क डन अगेंस्ट द OBQ ओब्लिकली मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये लग रहा है, ये इसका एंगल है थीटा, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये समझो भाई, ये इसे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, थीटा एंगल है, तो वर्क इक्वल टू एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, एफ एस कोस थीटा हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा फोर्स मल्टीप्लाई बाई एंगल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर राइट एंगल हो गया नो वर्क ही डन होगा, when a displacement of body is perpendicular to the direction of force। मान लो कोई हमने वेट उठाया सिर पे अपने, ये वेट उठाया हमने और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री पे हमने वेट उठाया, नो वर्क इज डन, इसने फोर्स ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा, हम तो खुद चल रहे हैं ना, वर्क आदमी कर रहा है, फोर्स से कोई वर्क नहीं हो रहा, तो फिर ये जो है W इक्वल टू F कोस 90 डिग्री, कोस थीटा की जगह कोस 90 डिग्री आ गया, इंटू एस एफ इंटू जीरो इंटू एस W इक्वल टू जीरो, वर्क डन फोर्स एक्ट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है और वर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस में हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी, अगर मोशन इधर है फोर्स भी इधर रख रहा है तो पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव जब फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द, मान लो इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं और मेरी तरफ ही मूवमेंट हो रहा है, मैं ही फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब कि उधर फोर्स ज़्यादा है, तो वर्क डन इन निगेटिव हो रहा है वर्क डन, और वर्क डन जीरो व्हेन राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। समझिए, अब ये एक सैटेलाइट मान लो घूम रहा है, ये 90 डिग्री है आज से, तो इसमें फोर्स लग रहा 90 डिग्री में, तो वर्क डन जीरो है सैटेलाइट का, एनर्जी का एज अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल बाय ए बॉडी टू इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड इज एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी स्केल क्वांटिटी में होती है, ठीक है।
मैं आपको एनर्जी के बारे में बाद में बताऊंगा, यूनिट एनर्जी की, एनर्जी की भी जूल होती है, लेकिन ये जो है अलग चीज है, मैं बताता हूँ आपको बाद में। फिलहाल आपने ये कर लिया, आपके लिए इतना ही आज के लिए काफी है, ठीक है। अगला टॉपिक फील्ड डिस्कस करेंगे। फोर्स आपने देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, तीन तरह की फोर्स होती है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। जीरो कब होगी, जब 90 डिग्री पर रेक्टेंगल होगा। अभी ये मैंने हाथ से इसको ये दबाया तो 90 डिग्री कुछ नहीं। अपोजिट में नेगेटिव होगा, सेम डायरेक्शन है पॉजिटिव होगा मोशन का और डिस्प्लेसमेंट का। आज के लिए इतना ही।